हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के अवतार की कहानी समृद्ध और बहुआयामी है, जिसमें उनके जन्म, बचपन, युवा व्यवस्था और महाकाव्य महाभारत में एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका शामिल है। यह कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। देवकी अत्याचारी राजा कंस की बहन थी, जिसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की आठवीं संतान उसके पतन का कारण बनेगी। इसे रोकने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और जन्म के समय उनके पहले 6 बच्चों को मार डाला। जब कृष्ण उनके 8वें बच्चे के रूप में पैदा हुए तो वासुदेव चमत्कारिक रूप से उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में सुरक्षित ले जाने में कामयाब रहे, जहां उनका आदान प्रदान यशोदा और नंद की नवजात बेटी योग माया से हुआ। कृष्ण गोकुल में यशोदा और नंद की प्रेमपूर्ण देखभाल में पले बड़े, बचपन की कई हरकतें की, जैसे कि मक्खन चुराना। इस प्रकार उन्हें माखन चोर नाम मिला और अपने दोस्तों ग्वाला लड़कों और ग्वाला लड़कियों के साथ खेलना। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, वे मथुरा लौट आए, जहां उन्होंने कंस का सामना किया और अंततः उसे मार डाला, जिससे उनके माता पिता और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारी शासन से मुक्ति मिली। कृष्ण के शुरुआती कारनामों ने उन्हें एक वीर व्यक्ति और धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित किया। कृष्ण की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्राचीन भारत के महान महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका है। उन्होंने महान कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडव राजकुमारों में से एक अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता की आध्यात्मिकता शिक्षाएं दी, उनकी नैतिक दुविधा को संबोधित किया और उन्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। भगवत गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सलाह में गहन दार्शनिक और नैतिक अवधारणाएं शामिल है, जो परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने, ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्म साक्षात्कार के अंतिम लक्ष्य के महत्व पर जोर देती है। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने एक राजा के रूप में शासन किया और रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। कृष्ण के प्रस्थान, जिसे उनकी महासमाधि के रूप में जाना जाता है, का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। जरा नामक एक शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से वे गलती से घायल हो गए। उन्होंने कृष्ण के पैर को हिरण का शरीर समझ लिया। इसके बाद कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार उनका अवतार पूरा हुआ। बुद्ध अवतार की अवधारणा। पारंपरिक रूप से मुख्य धारा की बौद्ध शिक्षाओं में नहीं पाई जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म आमतौर पर अवतारों के विचार पर जोर नहीं देता है, जैसा कि हिंदू धर्म विष्णु अवतारों के साथ करता है। हालांकि कुछ महायान बौद्ध परंपराओं में, विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म में, ऐसी शिक्षाएं हैं जो बुद्ध, अमिताभ,
या पद्म संभव जैसे कुछ व्यक्तियों को प्रभुत गुणों की अभिव्यक्ति या उत्सर्जन जैसे कि अवतार के समान के रूप में व्याख्या करती है। यदि आप सिद्धार्थ गौतम की जीवन कहानी का उल्लेख कर रहे हैं, जिन्हें बाद में बुद्ध मतलब जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ उनके जीवन का सारांश दिया गया है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व यानी हालांकि अलग अलग परंपराओं में सटीक तिथियां अलग अलग हैं। लुम्बिनी यानी कि वर्तमान नेपाल में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से बचाया और भविष्यवाणी की कि वे एक महान शासक या आध्यात्मिक नेता बनेंगे। अपने पिता के उन्हें बचाने के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना अलग अलग मौकों पर करना पड़ा, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने दुखों पर काबू पाने और सच्ची खुशी पाने का रास्ता खोजने का संकल्प लिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और शिशु पुत्र को पीछे छोड़ते हुए अपने राजसी जीवन को त्याग दिया। सिद्धार्थ ने प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ अध्ययन किया, लेकिन उनकी शिक्षाओं को असंतोषजनक पाया। फिर उन्होंने कठोर उपवास करते हुए तप साधना की। उनका मानना था कि आध्यात्मिक आत्म पीड़ा से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। 6 साल की तपस्या के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह चरम मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है। सिद्धार्थ फिर भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्य की खोज होने तक न उठने की कसम खाई। वहां उन्होंने गहन ध्यान प्राप्त किया और अंत में मई में पूर्णिमा की रात को उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुख की प्रकृति, इसके कारणों और दुख से मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अपने ज्ञानोदय के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष उत्तरीय भारत में यात्रा करते हुए बिताए। कुलीनों से लेकर भिखारियों तक विभिन्न प्रकार के लोगों को धर्म यानी कि मुक्ति का मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुनियों का एक मठवासी समुदाय स्थापित किया, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 80 वर्ष की आयु में एक लंबे शिक्षण के बाद बुद्ध का निधन यानी कि परिनिर्वाण में प्रवेश भारत के कुशीनगर में हुआ। अपने शिष्यों को दिए गए उनके अंतिम शब्द थे कि वे लगन से प्रयास करें और अपनी मुक्ति की जिम्मेदारी खुद लें। बुद्ध की कहानी बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र है, जो दुख की सार्वभौमिकता और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मुक्ति की संभावना पर जोर देती है, जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। यदि आपका प्रश्न बुद्ध के अवतार के रूप में उनके जीवन की किसी विशिष्ट व्याख्या या पहलू से संबंधित है, तो यह स्पष्ट करना उपयोगी होगा कि आप किस परंपरा या शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न बौद्ध मतों में व्याख्याएं व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है।